आए आप भी बना लो साहब। चले अस्सलाम वालेकुम रिबाह, कैसी हैं आप? अस्सलाम रिबाह, कैसी हैं? एक सेकंड, नहीं एक मिनट, एक एक सेकंड रिबाह, एक मिनट बात सुनिएगा। नहीं करनी उन्होंने बात भाई, नहीं करनी उन्होंने बात, नहीं करनी। हां टीवी चल रही है, एक सेकंड, एक सेकंड नहीं बात उन्होंने, नहीं करनी। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो 1 मिलियन व्यूज हैं और 1 मिलियन व्यूज ये हैं कि क्या आप इंडिया शिफ्ट होना चाहेंगे, क्या आप जो है क्या आप जो है इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म को कबूल करना चाहेंगे। ये रिबाह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों बात नहीं करने दे, कहाँ गई है रिबाह? आए कैमरामैन माइक जोर, ये तो पता माइक, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो, क्या नाम है तुम्हारा? पुलिस को फोन करो, फोन 15 पे कॉल करो, इमरान 15 पे कॉल करो, 15 पे कॉल करो, मेरे माइक को आना लगाना, अच्छा 15 को कॉल करें। ये देखिए रिबाह जा रही है, ये रिबाह जा रही है, यहाँ पे डॉलर्स के लिए जो है ना ये काम किया जाता है। इस शख्स ने मेरे माइक को भी हाल लगाया और तशद्दुद करने की कोशिश कर रहा है। आप आए रिबाह की तरफ चलते हैं, 15 पे काइंडली कॉल कर दीजिए, 15 पे काइंडली कॉल कर दीजिएगा, आए वो जरा रिबाह से जरा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रिबाह, रिबाह मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहेंगी डॉलर्स के लिए? आप बताएं, रिबाह चले जाएंगी आपका तो मैं कभी भी इंटरव्यू कर दूं। रिबाह एक मिनट बात सुनिएगा, रिबाह ये क्या कर रहे हो आप? आपने वीडियो किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं लिबर्टी में, मैं यहाँ पर आज रिकॉर्डिंग करने आया था, मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने ये शिकायत की कि यहाँ पर एक यूट्यूबर हैं जो इंडिया के नाम पे वीडियोस करती हैं, लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करती हैं और उनको प्लांटेड वीडियोज़ करती हैं। उन्होंने मुझे बाकायदा सबूत दिखाया कि एक वीडियो में वो लड़कियाँ इकट्ठी करके ये पूछ रही हैं कि क्या आप पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट होना चाहेंगी, क्या आप इस्लाम को छोड़ के हिंदुइज़्म को कबूल करना चाहेंगी। और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट होना चाहूँगा और अपना इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म को कबूल करना चाहूँगा। उस वीडियो का टाइटल यही था कि कन्वर्टेड इन हिंदुइज़्म। तो हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने तशद्दुद करने की भी कोशिश की। आप हमारे एक्सक्लूसिव मनाज़िर देख रहे होंगे, अभी रिबाह ये ज्वेलर्स हैं इसकी शॉप में एंटर हुई हैं और उसके बाद वो जो लड़कों का एक जत्था था उन्होंने उनको यहाँ पर उन्हें निकलने में मदद किया। मेरे साथ यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और ये वही लोग हैं जो शिकायत लेके आए कि ये लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं, इंडिया के हक में कंटेंट करते हैं और पाकिस्तानियों को मजबूर करते हैं कि आपको जो यूट्यूब पर लेकर आएंगे अपनी स्क्रीन देंगे, व्यूअरशिप देंगे, ताकि आप आके इंडिया के हक में कुछ बातें करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें करें। जी जी, ये यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर आते हैं ये एनएम के सामने सब इधर कोई भी पाकिस्तान का बात नहीं करता है, ये जितने सब इंडिया के, आप किसी यूट्यूबर चैनल से यहाँ पे जितने भी है लिबर्टी में कम से कम रोज़ के 60 यूट्यूबर आते हैं कि कोई पाकिस्तान का क्वेश्चन ही नहीं पूछते, आप इंडिया का क्या करते हैं, कोई आते आप कोहली का, कोई क्या कहते हैं इंडिया, कोई कहते हैं धर्म मोदी का, कोई भी पाकिस्तान का इधर कोई भी बात नहीं करते हैं। जी जी, इस्लाम के खिलाफ भी बातें होने लग गई हैं जी। नाज़रीन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और नाज़रीन इनमें से कोई भी मीडिया या यूट्यूबर नहीं है, ये तमाम यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ पर काम करने आते हैं और ये वो बता रहे हैं कि रोज़ यहाँ पर आके इंडिया के हक में कंटेंट करवाया जाता है। कोई यहाँ पे आके नहीं पूछता कि भाई पाकिस्तान में कितनी आज़ादी है, पाकिस्तान कितना तरक्की कर रहा है, यहाँ पे आके बताया जाता है आज इंडिया का जीडीपी इधर चला गया, आज इंडिया ने मुसलमानों के खिलाफ ये कर दिया, आप पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जाना चाहेंगे। मेरे साथ एक एंकर पर्सन भी मौजूद हैं और ये मेरे साथ थे बिल्कुल, जब वो मुझे तशद्दुद करने की कोशिश कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बचाया भी है और ये उनके खिलाफ भी बात कर रहे थे। सर क्या मसला क्या? एक तो मसला ये है कि इस्लाम ठीक है, आप इंडिया की तारीफ़ें करें, खुल के करें, अपने मुल्क को बेचें, खुल के बेचें, अपनी इज्जत को भी बेचें, लेकिन जब इस्लाम पे बात आएगी तो हम अपनी गर्दनें कटवा लेंगे लेकिन इनको बात नहीं करने देंगे। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अगर मैं मुस्लिम हूँ ना मैं कभी भी ये बात करने पर यकीन ही नहीं रखता, मैं तो किसी से पूछ भी नहीं सकता कि आप इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाएं। सर मुझे ये बताएं कि अगर यही खतून यूट्यूबर आपको बुला के ये सवाल करती हैं कि क्या आप पाकिस्तान छोड़ सकते हैं, क्या आप इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म कबूल कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं? मैं लानत भेजता है इसके मुंह पर। ये पहले भी कई बार ऐसे हुए हैं, हमने मुख्तलिफ अदारों में एप्लीकेशनें भी दी हैं,
लेकिन हमारे अदारे भी इस पर नोटिस नहीं ले रहे। फिर मजबूर किया जाता है कि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो कानून हाथ में लें। भाई लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी, लोगों के दिलों पर वार किए जाएंगे, तो लोग कानून हाथ में लेंगे। अभी देखे उसने टेबल उठा के मुझे मारा, सिर्फ इस बात पर मैंने कहा कि आप मेरी बहन इस्लाम के खिलाफ बात ना करें, आप ये वीडियो डिलीट कर दें। तो उसने सिर्फ 4-7 गुंडे रखे हुए हैं, पैसे की हवस में डूबे पड़े हैं और लोगों पर तशद्दुद करके चले गए। अभी नाज़रीन यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, आप इनसे फर्दन फर्दन भी पूछें तो ये आपको आके गवाही भी देंगे और इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि ये आज से ये काम नहीं कर रही। इनका तो सर्च पे नाम सर्च होता है, इंडिया वाले इनका नाम सर्च करते हैं। क्यों जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर ऐसा यहाँ पर अक्सर होता है कि यहाँ पर आके पाकिस्तान को बेचा जाता है, पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, कहा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे दुकान वाले हैं जो उनकी पुश्त पनाई कर रहे हैं, जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके जो गार्ड हैं वो हमें आके धक्के दे रहे हैं। भाई ठीक है, हम कानून हाथ में नहीं ले रहे, हम सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कानून वर्क ही नहीं कर रहा, हमारा कानून की जो बैटरी है ना वो लो ही पड़ी है। अगर आप अपने मोबाइल से इनकी वो वीडियो निकालें और मुझे सिर्फ टाइटल पढ़ के सुना दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जाते ही वो जो वीडियो है उसको एक तो प्राइवेट कर देंगी, ताकि जो लोग अभी तक नहीं देख सके वो ना देखें, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये वीडियो उनके गले पड़ने वाली है। अभी जो इमरान है, क्या पाकिस्तानी लड़कियां हिंदू लड़के के साथ शादी करना चाहेंगी? क्या आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान शिफ्ट होना चाहते हैं? हिंदुस्तान शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले क्या आप इस्लाम छोड़कर कन्वर्ट हो जाएंगे हिंदुइज्म में? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इनकी वीडियो का टाइटल ये है, विल पाकिस्तानी गर्ल मैरी अ हिंदू गाय एंड कन्वर्ट टू हिंदुइज्म एंड शिफ्ट टू इंडिया विद हिम गर्ल्स व्यू। ये अगर आपको मेरा कैमरा मनाजिर दिखा सके, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये जाके इस वीडियो को जो है रिमूव कर देंगी, और देखें इस पर तकरीबन जो है 8-9 लाख व्यूज़ हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो डॉलर्स के लिए पाकिस्तान को यहाँ पर बेच रहे हैं, यहाँ पर आके पाकिस्तानियों से कहेंगे कि भाई हिंदू के हक में ये कह दें, इंडिया के हक में ये कह दें कि आपके ये कह देने से मुझे कुछ चंद डॉलर्स मिल जाएंगे, अगर आपको इतने डॉलर्स चाहिए आप मेरे पास आएँ, मैं यहाँ पे फर्दन फर्दन एक एक बंदे से भीख मांगकर आपको डॉलर्स दे दूंगा। खुदा का नाम है, खुदा का वास्ता, मेरे मुल्क को इस तरह से बदनाम ना करें, मेरे मज़हब को इस तरह से बदनाम ना करें। जी, इस लड़की को मैंने खुद सुना है, बहुत से लड़कों को पहले उसने गाइड किया है कि जो मैं कहूँगी वो बोलना है आपने। इसने कहा है कि आपने ये बताना है कि इस्लाम इज़ अ टेररिस्ट जो है ना रिलीजन है, इस्लाम क्या है, टेररिज्म का नाम है। वो बंदों को उसने गाइड किया, 2 मिनट में बंदे, हाँ जी जो मौलवी हैं वो दहशत गर्द हैं, फलाना दहशत गर्द है। शी वॉज एक्टिंग अगेंस्ट इस्लाम, ठीक है। तो ये आज का दौर यही है कि आप इस्लाम के अगेंस्ट बात करें, यहूदियों काफरों को खुश करें और अपनी रैंकिंग ऊपर ले जाएं, व्यू ऊपर ले जाएं, पर पैसे कमाएं। नाज़रीन ये यहाँ पर मेहनत काश है, सर आप क्या बेचते हैं? मैं ये बेच रहा हूँ जो एसी रूम के जो डोर्स होते हैं ना उसके नीचे ये लीकेज रोकने के लिए। आपको मैंने तो नहीं बुलाया? नहीं, मैं खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करके आपके पास आया हूं। नाज़रीन यहाँ पर जितने लोग मेहनत काश हैं वो इस चीज़ का सबूत देंगे, क्योंकि ये लोग रोज आते हैं। ये लड़की समनाबाद की रहायशी अभी चलेगी अपने घर, और आपने देखा आज इनके साथ कुछ लोग भी, भाई बदतमीजी के साथ लोगों को खुद अट्रैक्ट कर रही थी, कैमरा के मेरे पीछे भाग गई, बहुत इन्हें वर्क किया है जी। तो नाज़रीन ये आज का मामला था, मैं यहाँ पर ये स्टोरी नहीं करने आया था, मैं यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन करने आया था, एक पॉलिटिकल वीडियो करने आया था। मुझे यहाँ पर मैं आया तो मुकामी लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि आप जाएं, अगर आपने एक माइक पकड़ा है, अगर आप बात कर सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं और इससे पूछें कि क्या डॉलर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जिस पे पाकिस्तान की बदनामी की जाए, अपने मज़हब की बदनामी की जाए, अपने लोगों की बदनामी की जाए, इस्लाम की बदनामी की जाए। आपने अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।